भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी आप शिया सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी जो भी पूछना चाह रहे हैं, या पीर फकीर मजूब कलंदर गौस पाक, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। आई एम नथिंग और ये सारे लोग नथिंग भी हैं। हम आप ज़ीरो समझ लो हमें, या ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहगार समझ लो, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। ना ही हम कोई आलिम फाजिल लोग हैं या कोई मज़हब के बड़े ठेकेदार हैं, हमें तो गुनाहगार से लोग हैं और एक खौफ खुदा समझ लो या बस एक पागलपन है हमारा। हम ये दुआ आगे बता देते हैं, किसी का भला हो जाता है, सौ बिस्मिल्लाह कोई कर लेता है तो सौ बिस्मिल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे बेटा ये सब इलम की बातें हैं और शिया सुन्नी और ये मुसलमान वाकया करबला हजरत शहादत से जो फितना शुरू हुआ और फिर जंगे सफीन जंगे जमल जंगे नहरवान और फिर करबला, वो सबसे बड़ा सानिया है। तो ये सब जो होता गया वो सब उसके पार्ट हैं, आप उसको छोड़ दो, ये अल्लाह क़यामत के दिन फैसले करेगा खुद ही। और उन सब लोगों के हम दर्जात डिसाइड नहीं कर सकते, ना हमें करने चाहिए। हाँ हमें ये पता है कि हमें काफ़िला हुसैन में होना चाहिए, हर दम हर वक्त उसी राह पे होना चाहिए, ठीक है जो मर्ज़ी हो जाए। तो जाबिर सुल्तान के सामने कलमाए हक कहना यही जहाद है और यही करबला है और यही सरकार दो आलम सल्लम के दिए हुए तोहफे के ऊपर कायम रहना है, यही कायम नमाज है, ठीक है। तो सारे सही हैं बेटा, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा दीन मज़हब मसलक फिरका, हम पागल लोग हैं, हमें हमारे मज़हब का नाम प्यार है, बेगरज प्यार। तो वो भी बस ऐसे ही है, पागल ही है, पता नहीं हमें वो भी आता है नहीं आता। तो यूँ समझ लो कि लोग तो हमें भी ख़राब हुआ हुआ कहते हैं, तो चलो हम हैं, हमने किसी से मुसलमानी का सर्टिफिकेट लेके क्या करना है, ठीक है। तो सारे ही बड़े अच्छे मुसलमान, बड़े अच्छे मोमन, बड़े नेक हैं और हम गुनाहगार और गंदे मंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी छोड़ पर है, इन चक्करों में पड़ गई है, सारे ही सही हैं। बस सलाम अलैकुम।